सुनो सुनो एक चीज, ये कितनी बड़ी बात है। एक आदमी 30 साल से प्रभु में, यहाँ पे आते हुए नहीं कितना टाइम हुआ? 1.5 साल से प्लस। हाँ, 1.5 साल से प्लस। तो वैसे तो ये 30 साल से विश्वास करते थे प्रभु पर, बैप्टाइज थे, बपतिस्मा भी लिया था, अभी आपने तम्बाकू रात को लगाकर सोना, क्योंकि जब नशे की आदत कुछ बढ़ जाती है तो कहते हैं ना, आदमी रोटी मिले, चाय मिले, कुछ खाने के लिए, पर ये चीज जरूरी होती है, तो इन चीजों में ये चल रहे थे। पर यहाँ पे जब 1.5 साल से आ रहे, तो यहाँ की जो बातें मेरे मुख से परमेश्वर आपके उन्नति के लिए बोलता, तो ये सुनते तो थे। तो जब भी ये बातें ऐसे सुनते तो अपने मन को पूछते थे कि हाँ, वचन तो ऐसा कहता है, परमेश्वर तो हमसे ऐसे बात करते, तो मैं ऐसे क्यों नहीं करूं? बोलो क्या, मैं ऐसे क्यों नहीं करूं? देखो श्री शोष ने कहा, बुद्धिमान है तो बातों सुन, तो बुद्धिमानी से सुन रहे थे, जो भी हर वचन आते थे ये सुनते थे, चाल चलन के ऊपर, कई चीजों के ऊपर जो यहाँ पे हमेशा खुदा आपको दे। आपके मन में कुछ है तो दस सकते हो, बिल्कुल सही चल रहे हैं, बोलते बिल्कुल उनमें सही चल रहे हैं। 3-3 घंटे की मेरी प्रार्थना, जो लोग प्रार्थना में कमजोर है, जो भी खुदा को मांगता बिल्कुल देता, उन जो भी खुदा को मांग रहे और मिल रहे हैं, ये खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का फायदा। जब मन फिराकर हम फैसला लेते हैं कि अब मैं ऐसे नहीं करूं, क्योंकि खुदा का वचन हमें इजाजत देता है, झूठ निंदा चोगली बैर ये सारी गलत चीजें, जब मन फिराया आज आपके सामने, कोई ड्रिंक नहीं, कोई नशा नहीं, कोई पुरानी आदत नहीं है। आज कहते 3-3 घंटे प्रार्थना, बोलो ये मैं कह रहा हूं, और यही चीजें हमें स्वर्ग लेकर जाएगी। मैंने कहा यही चीजें हमें स्वर्ग लेकर जाएगी। जी का नाम बाग है और शिगैरी के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही जे जब बता रहे हैं कि 3 साल से प्लस हो गए थे कि जे प्रभु पर विश्वास करते थे, और जैसे जे उस समय भी साल? 30 साल से ज्यादा समय हो गया, 30 साल से ज्यादा टाइम हो गया ये प्रभु पर विश्वास करते, ठीक है, नोट करते जाना अभी ध्यान से। हाँ आगे, और जे बता रहे हैं कि जैसे उस समय से जे विश्वास कर रहे थे, और जब इनको जिस चल रहे थे, पर कुछ समय बाद परमेश्वर के इनको ऐसे गुड न्यूज़ मिली, क्योंकि इनके गांव से कुछ लोग इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे, और फिर जैसे जैसे इस मिनिस्ट्री में इन्होंने आना शुरू किया, और जहां पर भी आते इनको 1.5 साल हो गया है, उससे प्लस टाइम हो रहा है, और जो बता रहे हैं कि जैसे जैसे इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे, तो जब भी जो वचन को सुन रहे थे, और जो बताते कि जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव विश्वास के बारे में जब से सुन रहे थे, तो जो बता रहे हैं कि जब इन्होंने ऐसे अपने जीवन को चेक किया कि जो 30 साल से चले, पर इनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि सही तरह से नहीं थी हो रही, क्योंकि जो काफ़ी समय से जो बता रहे हैं कि जो ड्रिंक का नशा करते थे, और जो बता रहे प्रार्थना भी करते थे, पर जो बता रहे हैं कि रात के समय जो मुँह में तम्बाकू लगा कर सोते थे, और जो बता रहे हैं कि जैसे परमेश्वर के दास हमें बताते कि कैसे परमेश्वर में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, और जैसे कि जो बाइबल में भी लिखा है कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ऐसे और भी बहुत सारे काम है, तो जो बता रहे कि हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा था, जैसे मैं ड्रिंक का नशा भी कर रहा था, चोरी ऐसे चुगली कोई भी झूठ ऐसे किसी को बोल लेना, और जो बता रहे कि रात के समय तंबाकू लगाकर सोना, तो जो बता रहे कि जैसे जिस मिनिस्ट्री की टीचिंग को जो सुन रहे थे, तो इनका मन जो था, इन्हें दोष लगाता था कि हम परमेश्वर में सही तरह से नहीं चल रहे, तो फिर इन्होंने अपना मन फिराया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो इन्होंने 40 दिन तक फास्टिंग की, प्रार्थना की, और परमेश्वर के आगे इन्होंने रखा कि परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने बपतिस्मा भी लिया था, पर फिर भी जो सब कुछ कर रहे थे,
तो जब इन्होंने अपना मन फिराया और फास्टिंग की, और जब बता रहे कि परमेश्वर ने और भी अपना अनुग्रह किया, क्योंकि जब हम अपना मन फिराते हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह करते हैं। और जैसे इन्होंने अपना मन फिराया और जो कि जो ड्रिंक का नशा करते, तम्बाकू लगाते थे, और कभी ऐसे किसी से भी कोई भी बात हो जाना, झूठ झूठ बोलना, चुगली करना, और इन सब चीज़ों से ही परमेश्वर ने इनके मन को अच्छा कर दिया। और फिर इन्होंने सही तरह से चलना शुरू किया, और इन 40 दिनों में परमेश्वर ने इनकी प्रेयर लाइफ को बहुत ही बढ़ा दिया, जो कि जो पहले प्रेयर लाइफ में भी कुछ कमजोर थे। तुझे बता रहे कि लगातार उन दिनों में इन्होंने एक भी संडे की मीटिंग मिस नहीं की, लगातार इसे मीटिंग में आ रहे थे। तो और भी जब भी जो वचन को सुनते थे तो विश्वास करते रहे, और परमेश्वर ने इनके मन को इतना खोल दिया, इतना अच्छा कर दिया कि इनको बहुत ही परमेश्वर में और भी आनंद आना शुरू हो गया। क्योंकि जो 30 साल से जो बताते कि जो आनंद नहीं था, पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, और जो बहुत ही परमेश्वर ने आज इनके जीवन को बदल दिया है, और आज कोई भी ऐसी चीज इनके जीवन में नहीं है जो कि पहले थी। आज परमेश्वर ने सब कुछ इनके जीवन में अच्छा कर दिया है, और इसके लिए जो परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते कि जिनके द्वारा जो हर एक वचन को सुनते और सीख रहे थे, तो परमेश्वर आज इनसे इस वचन को इन्होंने पूरा भी किया है। और जो इस विश्वास के लिए और जो अपना मन इन्होंने फिराया, हर एक बात के लिए जो धन्यवाद करते परमेश्वर का। सुनो सुनो एक चीज, ये कितनी बड़ी बात है। एक आदमी 30 साल से प्रभु में यहाँ पे आते हुए नहीं, कितना टाइम हुआ अभी? 1.5 साल से प्लस हो गया। हाँ, 1.5 साल से प्लस हुआ है। तो वैसे तो ये 30 साल से विश्वास करते थे प्रभु पर, बैप्टाइज थे, बपतिस्मा भी लिया था। अभी आपने सुना ड्रिंक तम्बाकू रात को लगाकर सोना, क्योंकि जब नशे की आदत कुछ बढ़ जाती है तो कहते हैं ना, आदमी रोटी मिले, चाय मिले, कुछ खाने के लिए, पर ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों में ये चल रहे थे, पर यहाँ पे जब 1.5 साल से आ रहे, तो यहाँ की जो बातें मेरे मुंह से परमेश्वर आपके उन्नति के लिए बोलता है, तो ये सुनते तो थे। तो जब भी ये बातें ऐसे सुनते तो अपने मन को कोसते थे कि हाँ, वचन तो ऐसा कहता है, परमेश्वर तो हमसे ऐसे बात करते, तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा। बोलो क्या है? मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा। देखो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान है जो मेरी बातें सुनता है। तो बुद्धिमानी से सुन रहे थे, जो भी हर वचन आते थे ये सुनते थे, चाल चलन के ऊपर, कई चीजों के ऊपर जो यहां पे हमेशा खुदा आपको देता है। तो भी इन्होंने इन दिनों में ऐसे मन बनाया, 40 दिन की फास्टिंग की, और फास्टिंग की और साथ में इन पूरे 40 दिनों में इन्होंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। सुनो ध्यान से, पहले ये महीने में भी शायद एक बार आते थे यहां पे भी, जब 1.5 साल तो यहां पे भी हो गया था आते हुए से। बोलो क्या, 1.5 साल तो यहां पे भी आते हुए नहीं हो गया था, पर पहले भी ये महीने में यहां पे एक आध बार आते थे बस, कई बार महीने से भी ऊपर हो जाता था। पर जब भी आते थे तो यहां पे जो बातें सुनती थी, उस खुदावंद के जीवित वचनों को जब सुनते तो वो छूते थे, और उन्हीं बातों के कारण खुदा ने इनके मन को छुआ, मन फिराया। नहीं प्रभु, मैं गलत कर रहा हूं। 40 दिन की फास्टिंग गई, कोई मीटिंग मिस नहीं की, रेगुलर आए। कितनों को समझ आ रही है? कोई मीटिंग मिस नहीं की, सारी आदतों से खुदा ने एकदम से पूरी तरह बदल के रख दिया, पूरी तरह बदल के रख दी। 30 साल से कोई बंदा विश्वास करता है, यहां की जो टीचिंग है वो सुनकर आज खुदा ने पूरी तरह इस भाई साहब का जीवन बदल दिया। छोटी बात नहीं है, रात को तम्बाकू लेकर सोना, तम्बाकू बड़ी जानलेवा चीज है,
कैंसर पैदा करता है। बोलो क्या है? सो जाना और पूरी रात लगाकर रखना और भी ज्यादा नुकसान है। समझ आ रही मेरी बात? पर अच्छे मन को बनाने से, अच्छा खुदा के साथ विश्वास करने से आइए आपके सामने हैं। बोलो क्या? पर हुआ क्या, आज से 2 हफ्ते पहले हम गवाही देने वाले थे। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि शैतान को जलन होती है। बोलो क्या? जब खुदावंद के लोग बदलते थे उसे जलन होती है। जब वो मन फिर आते हैं, वो खुदावंद के लिए वैसा मन बनाकर जीना शुरू करते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। अब 2 हफ्ते पहले गवाही देने वाले तो शैतान ने क्या कर दिया, क्योंकि उसने ऐसा किया कि ये अपना मन खराब करें, आगे पीछे करें। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आपके मन में कुछ है तो दस सक दे तो सी। सही चल रहा हूँ। बिल्कुल सही चल रही जी। 3-3 घंटे दी मेरी प्रार्थना। ओ, देखो बोलते बिल्कुल उनमें सही चल रहे हैं। 3-3 घंटे दी मेरी प्रार्थना हो गई है। जो लोग प्रार्थना में कमजोर हैं, जो भी खुदा को मांगता मैंने बिल्कुल दिंदा जी। हुन जो भी खुदा तो उन्हें मांग रहे हैं मिल रहा है। मिल रहा है। वाओ, ये खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का फायदा। जब मन फिराकर हम फैसला लेते हैं कि अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि खुदा का वचन हमें इजाजत नहीं देता झूठ निंदा चोगली वैर ये सारी गलत चीजें। जब मन फिराया, आज आपके सामने कोई ड्रिंक नहीं, कोई नशा नहीं, कोई पुरानी आदत नहीं है। आज कहते 3-3 घंटे प्रार्थना। बोलो क्या मैं कह रहा हूं? और यही चीजें हमें स्वर्ग लेकर जाएगी। मैंने कहा यही चीजें हमें स्वर्ग लेकर जाएगी, दुनिया की चीजें नहीं, यही चीजें आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। और फिर ऊपर से ये देखो, कहते हैं कि अब मैं योबी खुदा से मांगता हूं, जो भी मैं कहता हूं परमेश्वर ये कर, वो ही मेरे साथ हो रहा है। परमेश्वर पक्षपात करता है। बोलो पक्षपात करता है। तो फिर हमें सबको एक जैसा हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तारीफ कर दो इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए। और अपने मन को भी फिराते हुए जोर से तारीफ करो, जोर से। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, जोर से अपने हाथों को उठाते मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा।